उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी के 7 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव फांसी से फंदे पर ससुराल में लटका हुआ मिला है। सूचने पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और महिला के ससुराल वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर हंगामा किया, जबकि ससुराल वाले ने पुलिस को बताया कि महिला ने आत्महत्या की है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 19 वर्षीय निकट ने प्रेम प्रसंग के चलते कलीम नाम के युवक से 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद से ही कलीम निकट को अपने माता पिता के घर में उसके साथ रखने लगा था, जिससे उसके माता पिता खुश नहीं थे। आरोप है अक्सर निकट के साथ छोटी छोटी बात पर उसके ससुरालियों द्वारा मारपीट की जाने लगी। इसके साथ ही उससे दहेज की मांग भी की जाने लगी। निकट की माता की काफी वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी है। निकट ससुराल में मारपीट होने के बाद मायके में अपने माता पिता व भाई के पास आ जाती थी। निकट के पिता व भाई निकट को समझाकर वापस उसकी ससुराल भेज दिया करते थे। शुक्रवार की सुबह उन्हें पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली कि निकट का शव उसके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। सूचना पर निकट की बहन व अन्य परिजन निकट की ससुराल पहुंचे तो देखा कि निकट का शव पंखे में दुपट्टे से फंदा लगाकर लटका हुआ है। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर कलीम व उसके परिजनों ने निकट की हत्या कर शव पंखे पर लटका दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही करने की बात कर रही है। घटना के बाद से ही निकट के ससुरालिये फरार हो गए हैं। मोहम्मद इरफान, ये क्या मामला, कैसे मौत हुई इस लड़की की? अच्छा, और शौहर का? कितने साल हो गए शादी हुए? देख सकते हैं कोई निशान नहीं है, खुद ही आत्महत्या करी। हमने किवाड़ तोड़ के निकाला और जबकि किवाड़ों पे कोई ऐसा निशान नहीं है। फॉरेंसिक लैब वाले जब खड़े हैं, इन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी है। कितने साल हो गए शादी को? इसके अभी 6 या 7 महीने। 7 महीने में कुछ मांग करी दहेज की, कुछ झगड़ा हुआ क्या हुआ? इससे पहले भी अभी इसके मैंने जो है पैसों की मांग रखी थी मेरे बड़े वाले भाई से, जिनका नाम नन्ने भाई है, उनके सगे मामा। अच्छा, अब क्या पुलिस को सूचना दे दी आप लोगों ने? हाँ, अब तो सूचना दे दी, पहले दे रहा है। अच्छा, क्या चाहते हो इस मामले में? भाई, इनके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। पहले भी इससे पहले भी 2 बार धमकी दे चुका है वो, इस बात की कि यहाँ से मैं बोले मेरे नाम में मकान नाम करो, मुझे पैसा चाहिए। अभी इसकी लड़की की जो है माँ भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई अभी रमजान में 25वें रोजे को इंतकाल हुआ उनका। तबीयत खराब है इसकी और इसका पति फरार है। परसों गई थी घर को, बिल्कुल सही थी। लड़की की सास के अलावा घर के अंदर कोई नहीं है। परसों दावत में आई थी वो, परसों दावत में आई थी, बिल्कुल सही सुखी। ये तो आज सुबह ही इन्होंने कारनामा दिखाया है। आपको कब पता लगा इस बात का? अभी 1 घंटा हुआ, अभी 2 बजे मुझे 2:30 बजे कॉल आई मेरे पास। तो किवाड़ किसने खोले आगे? ये खुले हुए थे, तो बोले कि बता रहे टूटे हुए हैं। और ये इनके साथ बता रहे हैं कि हमने किवाड़ तोड़ के देखा है, और जबकि किवाड़ में कोई डेंट वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं, ना तो चौखट टूटी है, ना किवाड़ टूटे हुए, ना दीवार पे कोई निशान है, ना कोई कुंडा। तो क्या आपको क्या लगता है किसी ने मारा या वो? इन्होंने सबने मिलके उसको मारा गया, क्योंकि उसकी ना तो उसका बाप है ना माँ है, देने वाला कोई बचा नहीं, तो पैसे इनको देगा कौन? इसकी वजह ये है, बोले इनका खत्म कर दो इसको। क्या नाम आपका? शानू। आप कौन हो जो लड़की मरी इसके? क्या हुआ था, क्या मामला है? सर, रात में मैंने इनसे जो है 1 बजे के टाइम पे भी वीडियो कॉल बात करी जी, रात में भी ये ठीक थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने इससे पूछा भी कि कोई परेशानी है तो बता दो मुझसे जी। मुझसे बस ऐसे इशारों में उसने ऐसे बोला, और आज सुबह सर ऐसा हो गया मसला। मौत की क्या वजह लग रही है आपको? मौत की वजह इन्हीं ने मारा। मौत क्या कारण लग रहा है, किस तरीके क्यों मौत हुई? इन लोगों ने जो है फांसी लगाई। किसको लगाई फांसी? मेरे साली को। क्या नाम है साली का? नीरज। कितने साल हो गए शादी हुए? 7 महीने।
सात महीने क्या लग रहा है कि किसने मारा है या खुद मौत मरी है अपनी? ना खुद मौत तो ना मरी। जी सर, एक लड़की की डेथ हुई है, क्या मामला है पूरा और क्या है? मुगलपुरा क्षेत्र में एक महिला द्वारा महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर पुलिस गई तो वहाँ पर उसकी बॉडी मिली, जिसका पंचायतनामा करवाया जा रहा है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके परिवार वाले जो भी तहरीर दे रहे हैं उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, फोरेंसिक की टीम भी आई? हाँ आई है। तो फोरेंसिक की टीम ने कुछ अब तक बताया है कुछ? उन्होंने अपना मेजरमेंट वगैरह जो करते हैं वो अपना कर दिया है, और जो भी घटना क्राइम ऑफ सीन था उसका निरीक्षण कर दिया गया। सर, कैसे इसकी मौत हुई इसके बारे में कुछ जानकारी है? पंखे से लटकने का। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।